कायनात को हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल से बआसानी समझ सकते हैं, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम हर कुछ अरसे बाद हमारे सामने एक नई डिजाइन से मौजूद होता है। बिल्कुल वैसे ही कायनात को जैसे तैसे हम खोजते चले जा रहे हैं, उसके बहुत से नए रूप हमारे सामने जलवागर हो रहे हैं। उसकी वसीयतें हमें अपने जादू में जकड़े जा रही हैं। यही वजह है कि उसकी गहराइयों में डूबने के बावजूद हम उससे बोर नहीं हो रहे। आज हम आपको ऐसी 5 साइंसी सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जो हकीकत से कोसों दूर दिखाई देती हैं, मगर साइंस के नजदीक उनका सच होना कोई मुश्किल नहीं। ये हकीकत आपको समझने में मदद देंगे कि जीबीएस हेल्डन ने क्यों कहा था कि ये कायनात इतनी पुरेसरार नहीं जितना तुम सोचते हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पुरेसरार हैं जितना तुम सोच सकते हो। हम सब ने सुना और पढ़ा है कि कुर्बे क्यामत सूरज मगरिब से निकलेगा। यूं अगर ये कहा जाए कि सियारा जोहरा हमारे निजाम शमसी का वो वाहिद सियारा है जहां रोज क्यामत उतरती है, तो गलत नहीं होगा। ये निजाम शमसी का ऐसा सियारा है कि जहां रोज सूरज मगरिब से निकलता है, क्योंकि ये अपने मदार में उल्टा घूम रहा है। साइंसदानों का दावा है कि पहले पहल सियारा जहरा अपने मदार में सीधा घूम रहा था, लेकिन 4 से 5 अरब साल कबल जब निजाम शमसी वजूद में आ रहा था, तो उस दौरान सियारा जहरा का जमीन से इतने सियारे से टकरा हुआ, जिसकी वजह से सियारा जहरा कुछ वक्त के लिए रुका और उल्टा घूमना शुरू हो गया। यही वजह है कि जैसे जमीन 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है, वैसे जहरा अपने एक्सिस पे 243 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। यूं अगर आप जहरा पर मौजूद होंगे तो वहां एक दिन 243 दिनों के बराबर होगा, जबकि जहरा सियारा 224 दिनों में सूरज के गर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जहरा ऐसा पुरेसरार सियारा है कि वहां का एक दिन दरअसल एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। दकीक हिसाब किताब और मुशाहदात के जरिए हमें अंदाजा हो चुका है कि हमारा सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। उसी खातिर सूरज ने 4 नूरी साल तक के इलाके में अपनी हुक्मरानी सज्जा रखी है। 4 नूरी साल इतना वसी इलाका होता है कि अगर आप एक किनारे से रॉकेट भेजें तो दूसरे किनारे तक पहुंचने में आपको 72,000 साल लगेंगे। उस इलाके में मौजूद खरबों की तादाद में पत्थर, सियारे, चांद और दमदार सितारे सूरज के गर्द चक्कर लगा रहे हैं। इतनी ताकतवर कशिश शक्ल का हामिल सूरज कितना बड़ा है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि उसका मास हमारे निजाम शमसी के मजमू मास का 99.86% है, जिसका मतलब है कि बकाया निजाम शमसी का मास 0.14% बनता है। आसानी के लिए ऐसे समझिए कि फर्ज कीजिए अगर हमारे सूरज का वजन 100 किलो हो, तो बकाया निजाम शमसी जिनमें खरबों की तादाद में सियारे, सियाचे, चांद, शहाबी और दमदार सितारे शामिल हैं, उन सबका मिलकर वजन 0.1 किलो होगा। कायनात में सितारे ज्यादा हैं या फिर साइलों पर रेत के जर्रात ज्यादा हैं? इस सवाल ने एक अरसे तक फल्कियात के चाहने वालों को 2 हिस्सों में तकसीम किए रखा। 40 साल कबल यह सवाल फल्कियाती नगरी में इतनी अहमियत इख्तियार कर गया कि कार्ल सागान भी इस अजीब पहेली को हल करने मैदान में कूदे और दावा किया कि जमीन पर तमाम साइलों पर रेत के जितने जर्रात हैं, कायनात में उससे कई ज्यादा सितारे मौजूद हैं। कुछ अरसा कबल कार्ल सागान के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए रियाजी के माहिरीन ने तहकीकात शुरू की। सबसे पहले हिसाब किताब लगाया कि जमीन पर साइल समंदर कितने किलोमीटर पर मुहित हैं, जिसका जवाब यह मिला कि उस वक्त जमीन पर मौजूद तमाम साइल समंदर को अगर जमा किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर लंबाई बनती हैं। अगर हर साइल समंदर 50 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा हो, तो दकीक हिसाब किताब के जरिए अंदाजा हुआ कि दुनिया के साइल समंदर में कुल रेत के जरात की तादाद 3.75 अरब होगी, यानी 375 के आगे 19 सिफर लगा दें। जबकि जदीद तहकीकात बताती है कि अगर हमारी कायनात में 30 अरब खरब सितारे मौजूद हैं, यानी 3 के आगे 23 सिफर लगा लें। उस अनोखी तहकीक के बाद साइंसदान उस नतीजे पर पहुंचे कि कार्ल सागान ठीक थे, सितारों की यह तादाद हमारी जमीन पर रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। हमें इल्म है कि हशे ने मौत का जायका चखना है। बहुत बड़े सितारों की मौत जब वाकई होती है तो वो अमूमन एक धमाके से फटकर ब्लैक होल नामी पुरेसरार शय में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सूरज से 10 गुना बड़ा सितारा जब फटता है तो उसके पीछे रह जाने वाले कोर से एक न्यूट्रॉन सितारा बन जाता है। न्यूट्रॉन सितारा इंतहाई अजीब शय है, जिसमें सूरज जितना मादा अपनी ही कशिश शक्ल में समट कर शहर लाहौर जितने इलाके में कैद हो जाता है, जिस वजह से उसकी कसाफत बेपनाह बढ़ जाती है। उसकी कसाफत इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस सितारे के एक चम्मच मिट्टी का वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है। जमीन जैसे अपने मरकज के गर्द एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है, बिल्कुल वैसे ही एक न्यूट्रॉन सितारा एक सेकंड में 600 बार लट्टोकी की तरह अपने मरकज के गर्द घूमता है।
अभी कुछ दाइयां कबल ही हमें इल्म हुआ है कि हमारी कायनात में वो मादा भी मौजूद है जिसको देखा नहीं जा सका। ऐसे मादे को साइंसदानों ने डार्क मैटर का नाम दिया, जिसके बाद एक और इंकशाफ हम पर यह हुआ है कि हमारी कायनात एक नामालूम तवानाई की वजह से दिन ब दिन तेज रफ्तारी से फैलती जा रही है, जिसे डार्क एनर्जी कहा गया। इतना ही दकीक हिसाब किताब के बाद साइंसदान अंदाजा लगा चुके हैं कि हमारी कायनात में काबिले मुशाहिदा मादे का तनासुब 5% है, जबकि डार्क एनर्जी 68% और डार्क मीटर 27% है। जिसका मतलब यह है कि हम जितने सारे सितारे कहकशाएं यानी कुल कायनात देखते हैं और रिसर्च करते हैं, यह सिर्फ 5% मादे पर मुश्तमिल है। बल्कि 95% कायनात के मुतालिक हम कुछ भी नहीं जानते और ना ही उसे देख सकते हैं। कितनी हैरत अंगेज बात है कि महज 100 साल कबल हमारे लिए मिल्की वे ही कुल कायनात थी, मगर अब कायनात में हमारे लिए कहकशाओं की तादाद 2000 अरब को क्रॉस कर चुकी है। हमारी कायनात के मुतालिक समझ बहुत बढ़ चुकी है। बहरहाल जैसे जैसे हम साइंस के मैदान में कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमें कवानीन कुदरत को समझने में आसानी होती जा रही है। हम बहुत से वाकयात को अलग अलग जाविये से देखना शुरू हो गए हैं।